वंदे पुरुषोत्तम आलोचना प्रसंग भाग तीन से 16 दिसंबर सन 1942 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। आज एक गंभीर सुख समृद्ध रहस्य प्रकाश दिवालोक से इस जाल घर में निभृत निवास प्रकाशित हो उठा है। हमें यह पता नहीं चल पा रहा है कि हम किसके सामने बैठे हैं। इसी समय एक मोटर के हॉर्न की आवाज सुनकर श्री ठाकुर ने कहा, देखो तो कौन आया है। हरिपद्दा साहा ने पता लगाकर कहा, खेपुदा पावना जा रहे हैं, इसलिए भूपेश दा दत्त गाड़ी लेकर आए हैं। श्री ठाकुर जी बोले, इस समय वह पावना क्यों जा रहा है? हरिपद्दा बोले, यह तो मैंने पूछा नहीं। श्री ठाकुर जी बोले, नॉन इनक्विजिटिव ब्लंट अनुसंधित्सु निपट की तरह यदि चलोगे तो उससे किंतु धर्म नहीं होगा। यदि मैं किसी कार्य हेतु भेजूं तो यह अनुमान लगा लोगे कि मैं किस उद्देश्य से भेज रहा हूं, एवं उस उद्देश्य की पूर्ति करने में जो कुछ करने की जरूरत है उसे शीघ्रता से कर लोगे। जब जो कुछ करने को है उसे यदि पूर्ण रूपेण त्रुटि रहित भाव से करने में अभ्यस्त होगे तो धीरे धीरे परफेक्शन पूर्णता के पथ पर आगे बढ़ोगे, अन्यथा परफेक्शन पूर्णता एक हवाई लड्डू है। मनुष्य सोचता है कि काम काज साधन जीवन की एक गौण चीज है, पर इष्ट को परिपूर्ण करने का कर्म गौण नहीं कहा जा सकता। इसलिए अध कचरा करके छोड़ देना ठीक नहीं होता है, उससे निष्ठा अनुराग घट जाता है। सब कामों में मेरी दृष्टि लोगे, मेरा मन लोगे, चिंता और धंधा भी मेरा ही लोगे। इन सब बातों को मन में बैठाते हुए उद्देश्य की पूर्ति के लिए अमोघ गति से अपनी शक्ति का प्रयोग कर काम बनाकर लौटोगे। इस तरह से चलो, देखोगे हजारों तूफानों के बीच रहने पर भी सर्वदा वैकुंठ में वास करोगे। मेरे पास नगदा नगदी उम्दा चीज है, अभी ही वास्तविक रूप से करो, अभी ही पाओ, अभी ही बनो। तेरा बनत बनत बन जाए यह सोचकर ढिलाई करके चलना मुझे अच्छा नहीं लगता है। बातें शेष होने पर ही हरिपद्दा द्रुत गति में पता लगाकर लौट आए और बोले, शहर में कुछ लोगों से मिलने की जरूरत है, इसलिए खेपुदा जा रहे हैं। किससे उन्हें मिलना है यह उन्होंने कुछ नहीं बताया। श्री ठाकुर ने प्रीत स्निग्ध स्वर से पुकारा, हरिपद। पुकार कर थोड़ी देर तक हरिपद दा की ओर दृष्ट निबद्ध कर निहारते रहे। आंख मुख से करुणा और ममता झर रही है। स्नेह के स्वर में बोले, मेरी बातों से तुम्हें चोट तो नहीं पहुंची? किस लिए मैं क्या कहता हूं वह समझा न। हरिपद दा बोले, आपकी बातों से मेरा मन कभी खराब नहीं हुआ, अपनी त्रुटिपूर्ण चाल पर ही मुझे दुख होता है। यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आप मुझ पर कृपा कर मेरी भूल त्रुटियों को जब कभी आंखों में अंगुली डालकर दिखा देते हैं। श्री ठाकुर जी बोले, सबसे तो उत्तम यह है कि जब तुम लोग अपनी भूल त्रुटि को अपने आप पकड़ सकोगे। यदि मैं अथवा कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारी भूल त्रुटि को तुम्हें बता देता है और तुम उससे क्षुब्ध होने के बजाय अपने को उपकृत समझ बैठो तथा प्रसन्न चित्त से आत्म संशोधन में लग जाओ तो समझना तुम लोग मंगल के पथ पर चल रहे हो। कोई नाम ध्यान कर रहा है या नहीं, सबसे बड़ी परख यह है कि वह आत्मविश्लेषण मुखर है या नहीं, अथवा जब किसी काम में सफलता प्राप्त नहीं करता है तो उसका दोष दूसरे के माथे पर मढ़ता है या नहीं। यह अभ्यास ही ऐसा है कि इससे देखते देखते सोना फलता है। ऐसे व्यक्ति के संस्पर्श में बहुत लोग उपकृत होते हैं। देखो, चाहे तुम या मैं दुनिया के लिए कुछ नहीं कर सकता। जैसे तुम्हारे 5 लड़के हैं, तुम उन लोगों के लिए सोना का पहाड़ रख कर जाते हो। उनमें यदि चरित्र न रहे, योग्यता नहीं रहे, तो उस सोने का पहाड़ खत्म करने में अधिक दिन नहीं लगेंगे। किंतु उनमें चरित्र और कर्म दक्षता के विकास की व्यवस्था कर दो तो देखोगे कि वे प्रलय में भी नष्ट नहीं हो सकते, चाहे वे जिस अवस्था में पड़े। जापानी पुतली की तरह घूम फिर कर अपनी जगह पर आ जाएंगे। सबसे तो बढ़कर आशा की बात यह है कि हर व्यक्ति में थोड़ी बहुत श्रद्धा रहती है, तथा श्रद्धालु देव चरित्र व्यक्ति को देखने से ही मनुष्य की अंतर्निहित श्रद्धा की सदगति होती है, एवं इसके द्वारा ही मनुष्य चरित्र अर्जन करने में समर्थ हो पाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम लोगों का चरित्र श्रद्धामय हो, श्रद्धालु हो, इसमें तुम लोगों का भी मंगल है, दुनिया का भी मंगल है।
इसके अलावा जो कुछ भी है सब फांकी बाजी है। बचपन से मेरा एक ही व्यवसाय रहा है और वह है मनुष्य को पाना। एक साम्राज्य के विनिमय भी मैं एक व्यक्ति को छोड़ने के लिए प्रस्तुत नहीं हो सकता हूँ। और एक मनुष्य को मनुष्य बनाने में यदि एक साम्राज्य से हाथ धोना पड़े तो भी कुंठित न होऊंगा। मनुष्य चिरस्थायी नहीं होता है, फिर भी उसकी यह इच्छा रहती है कि वह इस शरीर को लेकर अनंत काल तक जीवित रहे। जो भी हो, यदि मैं अपने जीवन काल में यह देख सकूं कि तुम लोगों में बहुत व्यक्ति मनुष्य बन चुके हैं, तुम लोगों में ऐसे भी व्यक्ति हैं जो किसी भी प्रवृत्ति के अधीन नहीं है, धर्म इष्ट कृष्ट जिनके जान प्राण हैं, हाड़ मांस हैं, तो मैं समझूंगा मेरा मानव जीवन सार्थक हुआ है। तभी तुम लोग दुनिया को अच्छी तरह से चला सकते हो। मैंने जो कुछ दिया उसकी यदि नींव ठीक रहे तो नित नित विश्रृंखला सृष्टि होने की कम ही संभावना रहेगी। जैसा सुना है कि शंकराचार्य के समय से ही इस संसार को असार, राम, मायामय, नारी, नरक का द्वार इत्यादि कहा जाने लगा है, जो कभी अच्छा नहीं हुआ। इष्टहीन संसार तो असार ही है, मायामय ही है, किंतु जिस संसार में बचे रहना पड़ता है और हम बचे रहना चाहते हैं तो मायाबद्ध बनाए न रखकर इष्ट की सेवा में लगाकर सावधान क्यों न कर दें, माया मुक्त क्यों न कर दें। माया मुक्त होने का अर्थ मैं समझता हूँ माया को सीमित कर न रखना। जैसे तुम अपने पुत्र के प्रति खूब ममताशील हो, मैं कहता हूँ तुम अपने पुत्र के प्रति खूब ममताशील रहो, उसमें कोई क्षति नहीं। किंतु तुम्हारी ममता केवल वहीं तक सीमित नहीं रहे, बल्कि बृहत विश्व की प्रत्येक संतान में व्याप्त हो जाए। एक दिन देखोगे वह ममता विस्तार लाभ कर तृणलता, पशु पक्षी, अस्थावर जंगम सबको ही आलिंगन करेगी। एक लोहा को देखते ही अपने बच्चे की तरह उसे चूमने की इच्छा होगी। किंतु ऐसी परिणति के लिए इष्ट सूत्र चाहिए। यदि इष्ट के लिए तुम्हारा पुत्र हो, पुत्र स्नेह हो, तो इष्टानुराग हवाई जहाज पर चढ़कर तुम्हारा पुत्र स्नेह विश्व परिक्रमा किए बगैर नहीं रह पाएगा, क्योंकि उनका ही सब कुछ है। पुनः नारी को ही नरक का द्वार क्यों बनाकर रखोगे? वह माँ हो, वह सहधर्मिणी हो, और वह हो धात्री पात्री वृद्धिदात्री, वह स्वामी की वंशानुक्रमिक सुख संपदाओं को अपनी गर्भजात संतान में मूर्त कर दे। वह देवी बने, मूर्तिमती कल्याणी बने, वह नरक का द्वार क्यों बनने जाएगी? उसमें उसकी सार्थकता ही क्या है? ऐसी बातें मुझे कुछ ऑब्सेशन अनुभूति प्रसूत प्रतीत होती हैं। इस बात की मूल वक्ता ने कौन प्रसंग में किस उद्देश्य से कहा है उसे समझे बगैर अपना मत व्यक्त करना समीचीन नहीं है। संभव है कि उन्होंने ऐसे स्थान पर नारी को नरक का द्वार कहा हो, जहाँ नारी को पुरुष सिर्फ अपने भोग का ईंधन समझकर व्यवहार करता हो। जहाँ ऐसी बात है वहाँ वह युक्ति युक्ति संगत है, किंतु ऐसी एबनॉर्मल अस्वाभाविक बातों पर इतना जोर ही देने क्यों जाते हो? ऋषि महापुरुषों के देश में हम सिर्फ भगवान की वाणी जानते हैं। धर्म विरुद्ध भूतेषु कमो अस्मि भारतर्षम के विरुद्ध जो काम है वह काम वे ही हैं, इसलिए अनिश्वर नहीं है। इस हम काम तथा कामनी को इस तरह नियंत्रित और परिशुद्ध यदि कर दें तो हम लोगों के घर घर में बाल गोपाल घुटनों के बल चलते रहेंगे। जिस प्रकार कहता हूँ उसी प्रकार समाज में शादी विवाह दाम्पत्य जीवन नियंत्रित करो, देखोगे तुम्हारे देश में कैसा माल सब आ रहा है। यह बाबा विज्ञान है, यह जोशो नहीं है। आलोचना प्रसंग भाग तीन के पेज संख्या 107 से 111 तक। जय गुरु।